नदीम को बोला क्या मेरा घर पता नहीं किस किस लड़के को रोता को और इसके लिए जो यहाँ गली के बाहर लड़का रहता है किसके लड़के को भी ले गया मैं सबके घर लेके चलूंगी थाना टोंट का सिटी क्षेत्र के चौकी राम पार्क है, वहाँ पर एक महिला रजनी जिनकी उम्र 45 वर्ष के आसपास है, इनकी हत्या इनके दामाद द्वारा चाकू से मारकर कर दी गई है। अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। सर कारण क्या लग रहा है इसमें? कारण और जांच के बाद निकल कर आएगा वास्तविक कारण क्या है और इस विषय पर जो भी तहरीर प्राप्त होती है अभी वो पंजीकृत कर कार्रवाई की जाएगी। क्या आरोपी कोई फरार है? आरोपी कोई फरार है इसमें? हाँ आरोपी अभी फरार है। आरोपी के साथ एक और है कोई साथी जानकारी मिलती है? दो लोग थे। बिल्कुल तहरीर में जो भी लिख कर आएगा उस पर विवेचना की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सिख क्या नाम है आपका? एक पानी नाम जो आपकी मम्मी का मर्डर किया है कौन था? वो मांगे कौन है? वो मेरा आदमी था, मैंने तो छोड़ रखा है। कब से? 3-4 साल हो गए। फिर उसने मर्डर क्यों किया? कोई शादी वादी कुछ नहीं कर रखी। अच्छा तो अब क्या हुआ है? सब क्या हुआ है मम्मी से पता नहीं किस चीज की दुश्मनाई निकाली क्या निकाली। परसों जाके बच्चों को लेके आ गए मेरे घर से, मैं टूटी गई हुई थी, जा करके लेके आ गया और लेके आने के बाद मम्मी ने बोला भाई तुम्हें कैसे करना है क्या करना है कुछ तो बताओ। बच्चे दिलवा दिए मम्मी ने, थाने में कंप्लेंट है, चौकी में भी कंप्लेंट है, सब चीज़ में कंप्लेंट है, अंगूठा भी लिखवा रखा है, उसकी रिकॉर्डिंग भी जमा है, सब चीज़ जमा है, मारने की चाल में भी उसमें सब कुछ जमा है मेरा। तो कंप्लेंट कब करी थी आपने? आज भी करी है, कल रात को भी करी है मैंने। तो कहाँ पे कंप्लेंट करी थी? कंप्लेंट करी मेरी माँ और मेरी बहन को, मुझे कुछ होता है तो उसका जिम्मेवार यही है और मैंने तो खुद ने देखा अपनी आंखों से मारता हुआ। तो आपको थाने में गई थी चौकी में? थाने में भी गई हूँ, चौकी में भी गई हूँ। तो वहाँ से आपको क्या कहा गया पुलिस की तरफ से? फोटो वो मिली हुई है, फोटो खींच रखी है मैंने। आज क्या हुआ था पूरा? आज क्या हुआ था? यही हुआ था मम्मी आई है बस वहाँ से, पता नहीं कैसे कैसे करके मम्मी को बुलाया उसने, हमें तो कुछ पता भी नहीं, मैं और हम दोनों बहनें घर में थे। मम्मी को बुलाया, बुला के ले गया, छोटी बहन को फोन लेने के लिए भेज दिया, इतने में मम्मी के चप्पू चप्पू मार मैंने वहाँ से देखा खड़ा होके। क्या आपने इस मकान में आप और वो दोनों आज ही गए थे उसी मकान में? नहीं मेरा, मैं नहीं रहती उसके साथ। अच्छा आप पहले मेरा उससे कोई वास्ता मतलब नहीं वो है। कहाँ रहता है? वो तो यही रहता था। अच्छा दो नंबर का काम करता है, दारू बेचता है, गांजा बेचता है, मैं नहीं रहती उसके साथ। तो आज आप पहले भी गए थे मम्मी से? पहले आप गए थे उनके पास? नहीं मम्मी ही लेके गई थी उसे थाने में आज। मम्मी को बच्चे दिलाने थे, मम्मी कह रही बताओ कैसे करना है, जब तुम बच्चे लेके आ गए तो बच्चे दीवानी को दे दो, कैसे कैसे करके क्या करना है तुम्हें। वो कह रहा ठीक है बच्चे ले लो तुम मेरे से, बस मम्मी को पता नहीं क्या बुलाया बहलाया पता नहीं क्या करा बुला लिया। आपके सामने ही वारदात हुई थी या नहीं थी? आपके मेरे सामने छत पे से देखा था, मैंने देखा है। मेरी बहन थी ना वो वंशिका। आप जब थाने गई तो आपसे पुलिस कर्मियों ने क्या कहा? आपको पुलिस की मदद नहीं मिली क्या? पुलिस की मदद क्या मिली? साथ में था चक्कू फेंका था इसने, उसका नाम लेना मोनू नाम था उसका। मोनू अंग्रेज? हाँ अंग्रेज मोनू। चक्कू नहीं दिया आपके पीछे और एक लड़की है उससे बात करता है वो मुझे देख के भागा है। जी हिंदुस्तान डिजिटल डेस्क। सफर पर हैं और ढूंढ रहे हैं खबर, खबरों में ढूंढ रहे हैं अपना शहर, टॉप न्यूज ब्रेकिंग और हर अपडेट तमिल मलयालम तेलुगु और कन्नड़ हिंदी के साथ 5 भाषाओं का पंच, सबसे नया सबसे अनूठा न्यूज ऐप, बस एक क्लिक दूर जी हिंदुस्तान डाउनलोड करें और बाखबर रहें।